रायबरेली जनपद के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बदमाश बेखौफ हो गए हैं। वारदात पे वारदात दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लूट चोरी घटनाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छिनौती ने तो लोगों को घर से बाहर निकलना भी दुश्वार कर दिया है। लुटेरों ने पुलिस को ना को चने चबवा रखे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है। पूरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के थुलरई गांव के रहने वाले महेश कुमार का है। महेश कुमार अपनी पत्नी सुशीला के साथ साइकिल से बाजार जा रहे थे। शाम के वक्त दोनों घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में पूरे गुरु मजरे रामपुर खेत के निकट बाइक सवार तीन लुटेरों ने उन्हें रोककर महिला से पर्स छीन कर भाग निकले। महिला की पर्स में लगभग 30,000 रुपये व मोबाइल था। मौके पर पहुंचे एडिशनल SP विश्वजीत श्रीवास्तव ने घुरवारा चौकी इंचार्ज अशोक कुमार तिवारी को जम के फटकार भी लगाई और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात भी कही। नहीं होता ये, क्या नाम है आपका? जी महेश कुमार। कहाँ से आ रहे थे? जी मैं घुरवारा से आ रहा था। क्या घटना हुई आपके साथ? जी घटना हुई, हम लोग पैसा निकलवा के लेके आ रहे थे। जी 30,000 रुपया था टोटल, फ़ोन था टच का और आधार कार्ड था। लेके आ रहे थे तो अपाची गाड़ी वाले ने छीन लिया। तो क्या आप पहचान वहचान में आए कि नहीं आए? जी पहचान में क्या, हम लोग साइकिल चला रहे थे, पर्स छीन लिया और गिर गए जानी। उसके बाद में मैंने दौड़ाया और रफ्तार में भाग गई थी। कहाँ से, किस बैंक से पैसे निकलवा के लेके आए थे? यूको बैंक से निकलवा थे। और कहाँ जा रहे थे? इधर जी अपने घर जा रहा, लड़ाई गाँव मेरा। तहरीर दी है किसी को? जी एप्लीकेशन दिया है कि? जी एप्लीकेशन दे दिया। किसको दिए? जी सर 12 नंबर वाले को फ़ोन किया, फिर सारे साहब आए।